वी शरोड़ा फ्रॉम कैट कैन सॉल्यूशन मेरठ। और आज हम लोग जो बनाने वाले हैं वो इस टेलीस्कोप को बनाएंगे, और उसके लिए जो भी ऑप्शंस हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। और ये थोड़ा सा बड़ा ट्यूटोरियल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी हमारी कमांडें यूज़ होने वाली हैं। तो चलिए इसे करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मेरे पास एक ये व्यू है, इसको पहले हम इसी को ही समझ लेते हैं ड्राइंग में है क्या। देखिए जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारे पास ये है इसका ये वाला इसका टॉप व्यू एज पर द ड्राइंग। ठीक है, वैसे टॉप व्यू ये है लेकिन ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वाला हमारा टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। ऊपर से देख रहे हैं इस टाइप से दिखाई दे रहा है, फ्रंट से ये वाला व्यू है, साइड का ये वाला। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करूँगा, ये फ्रंट का ये वाला सेक्शन बनाता हूँ। और इसको बना के मैं क्या करूँगा, आप ये थोड़ा सा आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे क्या है, प्लेन बनाने पड़ेंगे, प्लेन्स टू क्रिएट सेक्शन ऑफ लॉफ्टेड सरफेस। यहाँ पे हमें दो सेक्शन चाहिए, एक सेक्शन यहाँ बनेगा, एक सेक्शन यहाँ बनेगा, एक सेक्शन यहाँ बनेगा। ईच सेक्शन ऑफ द लॉफ्ट इज ऑफसेटेड फ्रॉम द पैरेंट इज 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर ऑफसेट करना पड़ेगा पैरेंट से, जो भी आपका है। सपोज जैसे ये वाला है आपका, ये वाला हमने बनाया। अब जो सेकंड वाला सेक्शन आएगा वो 10 मिलीमीटर का ऑफसेट करेंगे अंदर की तरफ, इस वाले को फिर 10 मिलीमीटर का ऑफसेट करेंगे इस वाले से, या फर्स्ट वाले से 20 का अंदर ऑफसेट करेंगे। तो तीन सेक्शन हो जाएंगे, तीनों को मैं लॉक कर दूंगा, या यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन, उनके थ्रू हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। ये है मेरे पास ऑप्शन थ्रू कर्व्स, उस ऑप्शन के थ्रू तीनों को मिला देंगे। फिर हमारे पास ये शेप आती है, ये शेप बनाने के लिए टॉप से लूँगा, बनाऊँगा और कट करूँगा, ये शेप बनाऊँगा, एक्सट्रूड करूँगा और फिर यहाँ से ट्रिम करूँगा। बाद में सर्कल बनाएंगे, इसे एक्सट्रूड करेंगे, इन सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे, शेप को कट करेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा है, चलिए करते हैं स्टार्ट। उसके लिए मैं लेता हूँ नई फाइल। तो नई फाइल खोलते हैं और इस प्लेन को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। स्केचर में जाते हैं और स्केचर में आने के बाद ये वाली शेप मेरे को बनानी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सर्कल लेता हूँ और यहाँ से एक सर्कल लिया, और ये जो सर्कल है ये है मेरा 65 का रेडियस, 65 का हो जाएगा 130 का डाया। और 130 के बाद यहाँ पे कुछ डायमेंशन है 230, तो एक तो ये आ रहा है, इसे डबल क्लिक करके मैं जीरो कर देता हूँ, ये कॉन्सिडेंस नहीं हो पाया, या तो जीरो कर देते हैं नहीं तो फिर कॉन्सिडेंस करना पड़ता है इसको। इसको कर देते हैं जीरो, ओके, और इसे डबल क्लिक किया, ये होना है 230 डिवाइड बाई 2 और फिनिश। तो इस सर्कल की पोजीशन मैंने कर ली है, ये मेरा बड़ा वाला सर्कल है, यही सर्कल मेरे को अपोजिट साइड चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके कहते हैं मिरर कर, सेंटर लाइन है ये, ओके, दोनों सर्कल हो गए। फिर एक मेरे को ऐसा चाहिए कर, तो उसके लिए आर्क लेंगे और यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे और फिर ऊपर की तरफ। ये टेंजेंट बाय डिफॉल्ट ले ही रहा है, तो हमसे टेंजेंट मैच करके आ रहा है, कुछ पॉइंट डायमेंशन आ रही है, ठीक है, इसकी मेरे को ऐसा खास जरूरत है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट करिए और कर देते हैं, ऑलरेडी टेंजेंट ही है लगता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसकी डायमेंशन, ये है 230 का रेडियस, 300 का रेडियस ये कुछ ऐसा बनता है। एक अंदर की तरफ भी है मेरे पास जो कि है 65 का, तो आर्क से या सर्कल से जैसा भी आप लेना चाहें, तो आर्क से तो मैंने ले ही लिया, अब की बार जो यूज़ कर रहा हूँ मैं सर्कल यूज़ कर लेता हूँ। तो सर्कल लेते हैं और एक सर्कल बनाया और टेंजेंट इसे मैच करा, और फिर लेता हूँ मैं ये और ये दोनों सर्कल को सिलेक्ट किया और कर देते हैं टेंजेंट, दोनों से टेंजेंट हो गया, इससे टेंजेंट है कि नहीं आई वो चेक कर लेता हूँ। दोनों को सिलेक्ट कर दिया और ये ऑलरेडी टेंजेंट हो चुका है। और इसकी डायमेंशन 65 का रेडियस है
130 का डाया हो जाएगा। ये प्रॉपरली प्लेस हो चुका है, यहाँ से ट्रिम लीजिएगा और इसे कट कर दीजिए। कट हो गया और अंदर का सर्कल नहीं चाहिए, ये सर्कल नहीं चाहिए हाफ क्लोज। तो ये शक्शे मेरा बन गया है जो कि फुल्ली कंसिस्टेंट आ रहा है, ऐसा ही आपको भी बनाना है। इसे करिए फिनिश। अब फिनिश करने के बाद मेरे पास आता है सेकंड। सेकंड कितना जाना है, 150 पे जाना है कि 200 पे जाना है। तो हम यहाँ से लेते हैं एक डाटम प्लेन और प्लेन को सिलेक्ट किया और ये ऑफसेट होगा 150 पे। अप्लाई और फिर सिलेक्ट किया और अब होगा ये 200 पे। तो दोनों प्लेन मैंने एक साथ ही ले लिए। स्केच करते हैं इस पर, वेक्टर और फ्लिप कर लेते हैं। ओके, ताकि सीधा आ जाए। फिर मेरे को ऑफसेट चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑफसेट लीजिए, कुछ भी नहीं लेना आपको, सीधा ऑफसेट लेना है। और ऑफसेट में सिंगल कर भी जगह लेता हूँ, कनेक्टेड करो और क्लिक, पूरा आ गया। और अंदर की तरफ जाना चाहिए 10 लीजिए और रिवर्स अंदर की तरफ और ओके। सेकंड कर्व बन गया, फिनिश करेंगे। फिर से स्केच करेंगे इस वाले प्लेन पे, ओके। अब फिर 10 ऑफसेट करना है कि 20 करना है, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ और लेता हूँ ऐसे ऑफसेट कर, ऑफसेट कर में कनेक्टेड कर और बाहर वाला ले लिया और इस बार लेते हैं 20 और फ्लिप अंदर की साइड और ओके। तो मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन बना दिए, 3 कर भी मेरे हो गए, आपको शो भी हो रहे होंगे। अब इन तीनों को मिलाना है। अब इन तीनों कर्व को मिलाने के लिए मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ थ्रू कर्व और फर्स्ट क्लिक। ये एक ही कर्व सेलेक्ट हो पाया है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कनेक्टेड कर्व ले लीजिए, पूरा ले लेगा एक, फिर क्लिक, सेकंड क्लिक और ये थर्ड क्लिक, ये आ गया है। लेकिन ये सॉलिड नहीं चाहिए, हमें सरफेस में चाहिए। आप यहाँ से जाइएगा और यहाँ से हम सेटिंग में जाते हैं और सॉलिड की जगह कर दीजिए सरफेस, और सरफेस आके ओके कर दीजिए। तो ये हमारा बन गया है। और जो सेक्शन के कर्व हैं, इस बीच वाले को तो मैं हाइड कर देता हूँ, इस वाले को भी बाद में देखेंगे। अब हमारा ये पोर्शन हो गया, अब ये हमें कट करना है, ये वाला पोर्शन में दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए जूम कर सकता हूँ उसको। तो यहाँ से जाते हैं और स्केच करते हैं प्लेन पे और क्लिक और ओके। अब बात आती है इसकी, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक कर्व है, ये है 700 रेडियस का। तो एक आर्क लेते हैं और यहाँ से क्लिक किया और इस पर मैच करना है और इसका रेडियस 700 क्लोज और इसे पकड़ के ड्रैग करिए, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को क्लिक किया और कर देते हैं और जेंटली अलाइन। अब ये सीधा हो गया और कुछ डायमेंशन यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ की डायमेंशन मुझे कुछ ऐसी यहाँ मिल नहीं रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ भी नहीं है कि कितना नीचे है। तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ये कुछ आ रहा है तो उसे 25 ले लेता हूँ, 25 हो जाएगा। लेकिन ये आर्क कितना बड़ा जाएगा सिर्फ मेंशन करा हुआ है, आगे तक निकल जाएगा ये, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सेकेंड कर्व भी है, तो या तो इसको ले लेते हैं फिर दूसरे को बाद में ले लेंगे। तो एक्सट्रूड में गए, सेलेक्ट करें कर्व को और यहाँ से आके लेता हूँ सिमेट्रिक वैल्यू और ड्रैग करिए। कट होना ज़रूरी है ना, कट होना चाहिए और ओके। सेकेंड कर्व हो गया, फिर से स्केच में जाते हैं और क्लिक ओके। इधर वाले के लिए मेरे पास है आर्क, क्लिक क्लिक और ये मिडिल पे आना चाहिए, मिडिल पे टच कराइए और इसका रेडियस नहीं, ये है इसका रेडियस, इसका रेडियस है 245 का, 245 पे ऐसा आ रहा है। इसे फिनिश करता हूँ
और ये पॉइंट है इस लाइन के साथ, ड्रैग करते हैं, मैच कर दिया, सॉरी ठीक नहीं आ रहा, अंडू बताओ। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ड्रैग करते हैं तो ये कुछ इधर उधर जा रहा है, अंडू करा। और मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन कर देता हूँ या अंडू कर लेते हैं एक बार, और ये यहाँ पे आ गया है। तो पहले इस पॉइंट को ऊपर वाली लाइन के साथ और जेंटली अलाइन कर देते हैं। अब डायमेंशन की बात आती है, डबल क्लिक किया और इसका रेडियस है 245 का, एंड तो 245 पे ऐसा कुछ आ रहा है। और डायमेंशन की बात आती है तो डायमेंशन से पहले मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी अलाइन कर देता हूँ। डायमेंशन से अब एक बची है और इधर से कुछ मुझे पता नहीं, तो ये बाहर तक आ रहा है, ठीक है आप डायमेंशन कर दो। फिर भी यहाँ से जाते हैं 172 कर देते हैं और क्लोज। तो ये फुल्ली कंसिस्टेंट हो गया है, एक डायमेंशन और क्लोज। तो ये हमारा बन गया है, इसे फिनिश करते हैं और एक्सक्लूड करेंगे इस वाले को भी और इसको कर देते हैं सिमेट्रिक वैल्यू और ओके। अब हमारा काम आता है इसको ट्रिम करने का ताकि ये शेप बच जाए, तो इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। और ट्रिम शीट ये कुछ मैंने कस्टमाइज करके रखे हैं टूल जो मेरे को बार बार यूज़ करने पड़ते हैं। तो टारगेट बॉडी मैंने ये ले ली और बाउंड्री मैं इसको लेता हूँ और फिर अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ऐसा कट हो रहा है, ठीक है अप्लाई करते हैं। फिर से लिया टारगेट बॉडी मैंने ये ली और अब तक ये लिया और फिर प्रीव्यू करें तो अप्लाई। फिर से लेते हैं, ये है हमारा बाउंड्री, ये है और प्रीव्यू, कट हो गया अप्लाई। फिर से लेते हैं, ये है हमारा टारगेट, ये है बाउंड्री, प्रीव्यू और ओके। और जो स्केचेस हैं इनको हाइड कर देते हैं, प्लेन भी हाइड कर देता हूँ, नहीं चाहिए होगा अभी। और इधर से हटाइए, ठीक है कुछ इस टाइप से हमारा बन के आ गया, मैंने आपको ओरिजिनल वाला दिखाया था। ये कुछ इस टाइप से है, ये आधा काम हमारा हो गया है, शेप आ गई है। अब इधर से जो कट है ये वाला और ये वाला, इसके लिए मैं स्केच में जाता हूँ और प्लेन को सिलेक्ट करिए, और यहाँ से आर्क लेते हैं और क्लिक किया पर्याप्त। अब इस आर्क की हमें करनी है डायमेंशन, तो जूम करिए और ये जो सेंटर पे है इसको यहाँ से लेंगे और ये जो पॉइंट है ये लाइन और इसका सेंटर क्लिक, ये है 158। जो भी डायमेंशन आपको इजीली मिल जाए पहले आप उसी को चेंज कर दीजिए 158 के बाद ये जो रेडियस है 115 का, तो मैं कैंसिल करता हूँ और रेडियस 115 का ऐसा आ गया क्लोज। और इसकी पोजिशनिंग एज सच कुछ दी भी नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं इसे ड्रैग करके बाहर की तरफ लेते हैं, बाहर लिया और यहाँ से तो आ गया, लेकिन यहाँ से आगे इतना ये है 257, तो इसको भी ले लीजिए। यहाँ से ये जो सेट पॉइंट है ये है 257 और क्लोज। तो 257 में जितना भी पॉसिबल होगा उतना ये इसको ले लेगा, है ना। आप इसको मैच करिए, छोटा करिए, जैसा आपको टिक लगे, इस डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप डाल दीजिए और क्लोज फिनिश करते हैं। एक कर भी आ गया मेरा, इसे कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे सिमेट्रिकल और ओके। ओप्स, तो इसे सिमेट्रिक वैल्यू नहीं है, ओके। आप कोई ट्रिम लेंगे यहाँ से, ट्रिम में ये टारगेट है हमारा और बाउंड्री ये है, फिर प्रीव्यू कट हो गया।
अप्लाई। अब फिर से लेते हैं, ये है हमारा और ये है, सॉरी यहाँ से लेते हैं, ये है हमारा टारगेट और ये है हमारी बाउंड्री। ओके, इस टाइप से हमारा कट हो गया। बाद में फिलेट बचा है, उस फिलेट को हम बाद देखेंगे। अब इधर वाला बचा हुआ है हमारा कट करना, तो इसके लिए और एक आगे का भी ये बचा हुआ है, तो पहले मैं इस वाले को बना कर देखता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, कितना है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। ये कितना आगे आना है, एक प्लेन ऑफसेट करूँगा मैं यहाँ से, इसके लास्ट पॉइंट से आगे तक आना है बिल्कुल 375। तो एक प्लेन जो मैंने बनाया था और जो हाइड कर दिया, प्लेन था ये वाला, इसको मैं करता हूँ शो हो गया। अब यहाँ से प्लेन लेंगे, प्लेन को सिलेक्ट किया और ये मेरे को चाहिए 375 आप प्लेन आगे तरफ आगे और ओके करेंगे। इस प्लेन को स्केच करना है, सेलेक्ट करिए फ्लिप, ओके। अब यहाँ पे मुझे सर्कल चाहिए, तो सर्कल लेता हूँ मैं और यहाँ ड्रॉ किया सर्कल। अब सर्कल तो ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन इसका ना सेंटर मेरे को नहीं मिल पाएगा, या तो डायमेंशन डालिए या फिर मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, जो मेरा स्केच था फर्स्ट स्केच था ये वाला, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कर देता हूँ शो। ये था स्केच है, इसको भी कर देता हूँ शो, लेकिन ये भी शो नहीं कर रहा। तो फिनिश करिए, और एक स्केच अभी भी रह गया है, स्केच है ये वाला, फर्स्ट वाला स्केच चाहिए था, इसे शो, ठीक है। बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे वाला ही चाहिए था। एडिट करते हैं इसे, और इस कर्व के साथ स्केप करिए, इन दोनों को करते हैं को सेंटर, तो दोनों का सेम सेंटर हो जाएगा। और डबल क्लिक करके इसे डायमेंशन कर देते हैं, और डायमेंशन है इसकी 80 का डाय, और फिनिश। और इस वाले सर्किल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कर देते हैं मिरर, तो मिरर कर सेंटर क्लोज, एक ही हो गया है। और फिर फिनिश करिए, इसको मैं चलिए अभी रख देता हूँ, अभी हाइड नहीं कर रहा हूँ। एक्सट्रूड करते हैं कर्व को लिया, और फ्लिप करेंगे और करते हैं अप टू नेक्स्ट, और यहाँ से जाके नीचे से सॉलिड की जगह लूँगा मैं शीट, और शीट में यहाँ से लेना है आपको डन। तो ये इसे टच नहीं हो पा रहा है, ले नहीं रहा है इसे, तो अप टू अंटिल सेलेक्टेड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो शायद बन जाए बात। देखें इसको फ्लिप, ये अंटिल सेलेक्टेड की जगह तो आप रखिए वैल्यू 0, और इस वाले में रखना है अंटिल सेलेक्टेड ये वाला, आप फिर फ्लिप और अप्लाई ऑफ की जो भी आपको लगता है। तो मैं रुकता हूँ, और एक कर्व हो रहा है मेरे पास, वो है ये वाला, और फिर कहते हैं ओके, ये हो गया है। इसको बाहर से क्लोज करना है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे अनसेडेड सरफेस क्लिक, अप्लाई सेलेक्ट करिए, अप्लाई क्लोज। आप फिर अपोजिट वाला, इसके लिए कुछ दूरी है, जो प्लेन है वो प्लेन 2m और आगे जाना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, या तो प्लेन ले लीजिए या फिर स्केच में कर सकते हैं, तो स्केच ले लेंगे हम। यहाँ से जाके स्केच का ये वाला इसे भी शो करा देता हूँ, जिससे भी मेरी बात बनेगी। स्केच में जाके प्लेन को सिलेक्ट किया, फ्लिप, ओके, और यहाँ पे मेरे को एक सर्कल चाहिए, और अपने आप ही आ गया 50 का डाया है। और इस वाले को कर देते हैं मिरर, सेलेक्ट करिए इसे, और फिर यहाँ से जाएंगे और करेंगे मिरर कर, मिरर करना है इसके अबाउट, और ओके फिनिश करिए, और इसको कर देते हैं हम एक्सट्रूड, और इस तरफ तो मेरे को
चाहिए, इसे फ्लिप रिवर्स करता हूँ और इधर की तरफ टू है, एक्स्ट्रा इधर टू आना चाहिए, एक दूसरा शीट होना चाहिए दो, और सेकेंड वाली लिमिट अनटिल सिलेक्टेड सिलेक्टेड करना नहीं आता, और ओके। और इसे हाइड कर दीजिए, सर्किल को हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं, और इधर से फिल करना रह गया है। अगर इसे कट करना चाहते हैं तो ये कट करना, अगर आप चाहते हैं तो कट आपको बाद में भी करना पड़ेगा, तो मैं आपको भी बताता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको और इसको, अब फिर अभी लेंगे रहें, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे, इसे फिल कर देता हूँ अभी के केस में, क्लिक और क्लिक, ये सिंगल टाइम में एक ही लुक लेगा, अप्लाई और अप्लाई, ये हमारा हो गया है। इधर से भी इधर वाला हमारा बचा है, अब एक नंबर आता है इसका, इसको कर लेते हैं, पहले सेव कर लेते हैं एक बार में, मेरा मॉडल सेव हो जाएगा। इसमें अब ये साइड वाला है, ये हमें कट करना है, तो इसके लिए मैं स्केच में जाता हूँ और टॉप क्लिक किया, ओके, और यहाँ पे तीन सर्कल हैं, सर्कल लिया और कुछ यहाँ पे क्लिक किया, और 25 का डायमीटर होना चाहिए, और एक और फिर एक और, अब इनकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं लेता हूँ इसके मिडल से ये जो पॉइंट है, ये क्लिक करते हैं, ये है 170, और फिर ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये 165, और ये जो थर्ड वाला है ये 162, और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो है यहाँ से, ये 10 और ऐड करना पड़ेगा, या 10 माइनस कर लेंगे, पहला है 100, तो यहाँ से 10, मैंने बोला एक्स्ट्रा है तो 10 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 90, तो इसे लेते हैं क्लिक, 170 मीन्स 160, 10 आपको इसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा, और 240, का जगह 230, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिए हैं सर्कल, फिनिश, यहाँ से फिनिश करिए और एक्सट्रूड करेंगे, इसको करेंगे सिमेट्रिक, और नीचे आइए सरफेस शीट, और ओके, और यहाँ से ट्रिम लेंगे, ये है और ये है, बिल्कुल अंदर से कट हो गया होगा, फिर ये अंदर से कट हो गया है, अप्लाई, फिर हमें चाहिए ये वाला, और ये इसे कीप कर लेते हैं, ठीक है, अप्लाई, फिर से लिया, अप्लाई, यहाँ से लेंगे सब लिए और ओके, तो ये शेप हमारी आ गई है, प्लेन हमने सब ले लिए हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा रहता था वो है ये जो बनाए थे हमने, इसको मैं करता हूँ हाइट, इस टाइप से आ रहा है, इसे हम लेते हैं यहाँ से ट्रिम, इस सर्फिस को ट्रिम करना है अबाउट डिस्क, कटोगे, अप्लाई,
फिर सरफेस को सिलेक्ट करिए, कर अप्लाई, कट हो गया है, सिर्फ शो नहीं हो रहा है। यहाँ से ट्रिम करेंगे ये सरफेस और ये वाला गलत, ये करनी चाहिए अप्लाई सरफेस और कर अप्लाई। ये पूरा कट हो चुका है और इसको हमने हाइड किया था, देखिए अंदर सब कुछ शो भी हो रहा होगा, पूरा जा रहा है। इसको भी देखना चाहते थे इसे मैं हाइड कर देता हूँ, कट हो चुका है। अब यहाँ से लेते हैं क्या हमने ऐड किया था, अनसाइडेड इसको कर देता हूँ शो, और एक अनसाइडेड वाला ये है इसको भी शो, तो ये सारे मेरे को शो हो जाएंगे। और इसे कर देते हैं हाइड, इसमें को कर दीजिए हाइड। इन सबको हम ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि ये भी ज्वाइन नहीं है, और विदाउट ज्वाइन करे भी मेरे को फिलेट नहीं कर सकता। तो आप यहाँ से जाएंगे और कंबाइन सीव, और ये मेरी मेन बॉडी है और टूल, ये कुछ इस टाइप से आप ले लीजिएगा। ये आ जाएगा हमारा और ओके, पूरा ज्वाइन हो चुका है। ज्वाइन करने के बाद फिर नंबर आता है फ्लिट का, तो मैं यहाँ से जाके देखता हूँ, और यहाँ पे रेडियस ऑफ फ्लिट इज 5। तो जहाँ जहाँ पे फ्लिट चाहिए सब जगह पे रेडियस 5 का है, तो मैं इसको यहाँ से जाके लेते हैं एच फ्लिट और क्लिक किया 5 अप्लाई। अप्लाई अप्लाई टर्न कर लेते हैं, अप्लाई इधर से, ये हमने इसे पूरा फिलेट कर दिया है। और इधर वाला रेडियस में कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ मेरे को ऐसा कहीं दिया हुआ है नहीं, सिर्फ 5 ही दिया हुआ है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ही रहा, ठीक है। सभी रेडियस आपके 5 के हैं अंटे स्पेसिफाइड, तो स्पेसिफाई ऐसा कहीं करा हुआ है नहीं, तो हमने इसको इस टाइप से बना लिया है और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स होप आपको प्रॉपरली वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके हमें लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।